चलो बच्चों, अब हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 27 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी जब बिल को डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक से, और उसके बाद उस केस में हमारा बिल जो है वो डिसओनर हो जाता है, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 28 भी उसी पर ही बेस्ड है। यहां पर भी बिल जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा और उसके बाद वो बिल डिसओनर हो जाएगा और उसकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोरोना रिसीव्ड फ्रॉम डेंगू एंड एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 1,40,000 रुपीज। 1,40,000 रुपये का एक्सेप्टेंस रिसीव कर ली। यहाँ पे गुड्स सेल करने की बात नहीं बोली है। गुड्स सेल हो सकता है पहले कभी हो गए होंगे, और जब हुए होंगे तब उसकी एंट्री हो चुकी होगी। अब हमें कहाँ से जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है, जहां से वो क्वेश्चन बोलता है, कोरोना रिसीव्ड फ्रॉम डेंगू एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस रिसीव कर ली है कोरोना ने, एक्सेप्टेंस किसकी, डेंगू की। तो इसका मतलब कोरोना ने बिल ड्रॉ किया था और डेंगू ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया है। क्या डेट है, 15 जनवरी 2020। तो 15 जनवरी 2020 को बीआर और बीपी की हम एंट्री डाल देंगे। कोरोना की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बीआर अकाउंट डेबिट 2। ये बीआर किससे मिला, डेंगू से मिला। जब सेल की एंट्री हुई होगी तो उस समय डेंगू को हमने डेबिट किया होगा। अमाउंट है बच्चे 1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपये। और सेम डेट को एक एंट्री डेंगू की बुक्स में भी होगी। डेंगू की बुक्स में क्या एंट्री होगी, डेंगू ने इस बिल को एक्सेप्ट किया है, तो बिल्स पेबल इसकी बुक्स में एक लाइबिलिटी बन जाएगा, कोरोना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे, 1,40,000 रुपीज। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे बात करता है, 2 मंथ्स का ये बिल है। कोरोना इमीडिएटली गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड। कोरोना को इमीडिएटली पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने इमीडिएटली उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 12% पर एनम, 1 साल का 12% ब्याज, 12% ब्याज 1 साल का। तो 1,40,000 का अगर हम 12% कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे अमाउंट आता है 16,800 रुपीज, 16,800। लेकिन ये है 12 महीने का और जो बिल है वो तो 2 महीने का है, तो 2 मंथ्स का हमारा जो डिस्काउंटिंग चार्जेस बनेंगे वो बच्चे बनेंगे 2,800 रुपये। क्लियर। 12% पूरे साल का, लेकिन हमें लेना है सिर्फ 2 महीने का, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो बैंक से हम डिस्काउंट करवा रहे हैं बिल, बैंक को 2 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। अगर 1 साल के बाद बैंक को पैसा मिलना होता तो 12% चार्जेस लगते, बैंक 12% लेता, लेकिन बैंक को तो 2 महीने बाद मिल जाएंगे, तो प्रोपोर्शनेटली वो अमाउंट एडजस्ट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर हमारा जो बिल है वो डिस्काउंट हो चुका है, हम इसकी एंट्री डाल देते हैं। डेट गिवन नहीं है तो यही डेट को हम ले लेंगे। कोरोना को पैसे मिल जाएंगे इमीडिएटली, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या पूरे पैसे मिलेंगे, पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे, जितने का ये बीआर डॉक्यूमेंट है पूरे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, पैसे कम मिलेंगे। कितने पैसे कम मिलेंगे बच्चे, 2,800 रुपीज। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर रिमेनिंग अमाउंट पे कर देगा।
और बैंक कितने चार्जेस काटेगा, 2800 रुपीज। तो 1,40,000 माइनस 2800 हम कर देंगे 137,200, 137,200 कोरोना को 1,37,200 रुपये इमीडिएटली मिल जाएंगे। 2800 रुपये बैंक अपने चार्जेस जो है वो डिडक्ट कर देगा। बात आती है डेंगू की, डेंगू की बुक्स में कोई एंट्री भी नहीं होगी, डेंगू को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना कुछ भी करे, बैंक से डिस्काउंट कराए, कलेक्शन के लिए भेजे, एंडोर्स करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, आगे बताती है ऑन द ड्यू डेट डेंगू फेल टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट, डेंगू ने पैसे देने से मना कर दिया, डिसऑनर हो गया। अब अगर इस केस में डिसऑनर हो गया तो बच्चे डिसऑनर की क्या एंट्रीज होंगी, एक बार देख लेते हैं ड्यू डेट क्या आएगी। यहां पर 15 जनवरी है, 15 जनवरी में 2 मंथ्स ऐड कर देने हैं प्लस 3 डेज भी ऐड कर देने हैं ग्रेस पीरियड की। तो 15th 1 से 15th 2 फरवरी एंड मार्च, मार्च के बाद 18 मार्च 2020 को इस बिल को कैंसल करने की एंट्री डाल देंगे। ये बिल डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर हो गया तो क्या करना होगा, बिल को कैंसिल करना होगा। अगर आप इससे पहले देखो तो बिल की 2 एंट्रीज हो चुकी हैं कोरोना की बुक में। इस क्वेश्चन में गुड्स सेल परचेज की एंट्री नहीं डलेगी, वो पहले डल चुकी है। ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, बिल रेस करने से लेकर बिल की एक्सेप्टेंस हो गई है वहां से, राइट। तो 2 एंट्रीज हो चुकी हैं, जो कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो बीआर। बच्चे आपको एग्जाम में ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में ऐसे काट के मत आ जाना, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये कट जाएगा, चलो मैं लाइन हटा देता हूं, ठीक है, ये कट जाएगी, हल्का सा यहां पे लगा देता हूं कि ये कट जाएगा, पता चले आप एग्जाम में काट के आ गए हो, ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो अगर देखे तो डेंगू जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो डेंगू को डेबिट कर देंगे, बिल डिसऑनर हो गया तो दोबारा से डेंगू को डेबिट बना, डेटर बना रहे हैं अपना। 2, बैंक के केस में बैंक को हमें इमीडिएटली पे करना होगा और पूरा अमाउंट पे करना होगा, जितना लिया है उतना नहीं, विद इंटरेस्ट। बैंक को 140 मिलने चाहिए थे तो बैंक तो पूरे 140 लेगा। बात आती है डेंगू की बुक्स में क्या एंट्री होगी, डेंगू के पास ऑलरेडी 1 एंट्री हुई है, कैंसिल करने पे इसको रिवर्स कर दिया जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कोरोना अकाउंट, अमाउंट कितना, 1,40,000 रुपीज। क्लियर। अगर मैं बात करूं कोरोना की बुक्स में जो हमने एंट्री रिवर्स की है, यहां पे ध्यान रखना है आपको जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है इसको रिवर्स नहीं करना, डिस्काउंटिंग चार्जेस को बैंक वाले अमाउंट में ऐड करके टोटल अमाउंट बैंक को पे करना होगा। क्लियर। 27th क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था और क्वेश्चन नंबर 28th में अगर हम बात करें तो यही रिक्वायरमेंट थी, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कोरोना एंड डेंगू, हमने दोनों की बुक्स में यहाँ पर एंट्रीज डाल दी हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 28 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।